नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ट्रेवल टू उत्तराखंड में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए उत्तराखंड बस सेवा से जुड़ी हुई एक बहुत ही अच्छी खबर लेके आया हूं। दोस्तों हमारी पिछली वीडियो में काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे थे कि उत्तराखंड से अन्य राज्यों के लिए बस सेवा कब चालू होगी पूरी तरीके से। तो दोस्तों एक अच्छी खबर आ चुकी है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। इसी प्रकार हरिद्वार ऋषिकेश उत्तराखंड की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करते हैं। दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, आपको इसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने वाली है जो आपके काम आएगी। दोस्तों 62 दिन बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड की बसों को एंट्री मिल गई है। यूपी सरकार ने जैसे ही बुधवार को इसकी अनुमति दी वैसे ही परिवहन निगम ने बसों का संचालन शुरू कर दिया। पहले दिन कम संख्या में बसें गई लेकिन बृहस्पतिवार से दून, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार से दिल्ली के लिए बस संचालन पूरी तरह से सुचारू हो जाएगा। दोस्तों दरअसल कोविड कर्फ्यू की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 मई को सभी राज्यों से आने वाली बसों का प्रतिबंध लगा दिया था। इस रोक की वजह से उत्तराखंड परिवहन निगम की बस सेवा सबसे ज्यादा प्रभावित हुई क्योंकि यूपी से होते हुए ही उत्तराखंड की तमाम बसें दिल्ली व अन्य राज्यों के लिए चलती है। दोस्तों घाटे में चल रहे निगम की बसों को यूपी में प्रवेश के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की थी। शासन स्तर पर भी कई बार यूपी सरकार को अनुरोध भेजा गया। बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने बस संचालन की अनुमति का जैसे ही आदेश जारी किया वैसे ही उत्तराखंड परिवहन निगम ने बस सेवा शुरू कर दी। दोस्तों उत्तराखंड परिवहन निगम के मंडल प्रबंधक संजय गुप्ता जी ने बताया कि दोपहर करीब 3 बजे उत्तर प्रदेश से बस संचालन की अनुमति आई, लिहाजा दिन भर में करीब 15 बसें दिल्ली भेजी गई। हल्द्वानी के लिए भी एक बस भेजी गई और सहारनपुर के लिए करीब 3 बसें और बरेली के लिए 2 बसें भेजी गई। और दोस्तों यूपी में संचालन पर रोक की वजह से गढ़वाल और कुमाऊं में भी बस संचालन नहीं हो पा रहा था। अब बुधवार से दोनों मंडलों के बीच में बस संचालन सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। और दोस्तों अब ऋषिकेश से दिल्ली जाने वाली बसों को हरियाणा के करनाल से होकर नहीं जाना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड रोडवेज की बसों को प्रदेश में आने की अनुमति दे दी है। बृहस्पतिवार को पुराने रूट पर ही बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खबर आप सभी लोगों के लिए है। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों इसी प्रकार से हरिद्वार ऋषिकेश उत्तराखंड की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।